और चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं उस जनसभा में जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त संबोधित कर रही हैं मंच से जनसभा को। देखिए, मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूरख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर, और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया, उस जुझारू नेता का नाम क्या है, उस जुझारू नेता का नाम क्या है, उस जुझारू नेता का नाम क्या है। आज जब जनता खुद जानती है कि वो कौन है जिसने एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर यह संकल्प किया कि जब मेरे पास सेवा का मौका आएगा तो गरीब और गरीब नहीं हो पाएगा, नागरिक कमल का बटन दबाएगा और विकास के नवयुग तक उस नागरिक को भाजपा की सरकार ले जाएगी, ऐसा संकल्प और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज यहां पर मैं एक ऐसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि बहने बिना किसी अपेक्षा के भाई के तिलक करके भाई के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है, भाई भी बिना मांगे बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन को अपना संकल्प देता है कि जब तक वो जीवित है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहां जो भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूं, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। आप सोचिए उस बेटी के परिवार के दुख की आप कल्पना कीजिए, जो बेटी की पहचान करना भी चाहे तो कैसे करें, बेटी का मात्र एक अंश भट्टी के बाहर मिलता है। वो कौन मां है आज जिसका दिल नहीं दहलता ये जानकर कि बेटी अगर चौखट लांगे सुबह तो शाम को शायद सम्मान सहित नहीं लौटेगी। वो कौन सा पिता है जो आज वीरों की इस भूमि पर सर उठाकर मुझे गारंटी दे सके कि हां, गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की लड़की अगर चौखट लांगे तो शाम को सम्मान सहित घर लौटेगी। यह उन वीरों की भूमि है जिन्होंने बहु बेटियों के सम्मान के लिए तलवारें तक खींच दी और जब तक उस तलवार पर दुश्मन का खून नहीं लगा तब तक वो तलवार मयान में नहीं गई। यह उन वीरांगनाओं की भूमि है जब दुश्मन आया दरवाजे पर, जब सेनाएं परास्त हुई तो उन वीरांगनाओं ने मौत को गले लगाया लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आज ऐसे वीरों की भूमि पर आपके पूर्वजों का संकल्प सुनाते हुए आपसे पूछती हूं, इस प्रदेश में अब आदिवासी
सी बेटी को निर्वस्त करके घुमाया जाता है और कांग्रेस की सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में, मुख्य शहर में, एक शिक्षिका जो मां सरस्वती का वरदान बच्चों को देती है उसे दिन के उजाले में जिंदा जलाया जाता है। बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ पर लगाकर मारा जाता है। ये वो प्रदेश है जिसकी पुण्यधरा वीरों के खून से सींची गई है। यहां पर पुलिस कर्मी का केस आता है जो दलित बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार करता है। अगर वर्दी पहनकर कांग्रेस की सरकार में पुलिस कर्मी बेटी का बलात्कार करने लगे, क्या ऐसी भूमि पर बहु बेटियां सलामत रह सकती हैं? मैं ये बात किसी की तालियां सुनने के लिए नहीं कह रही हूं। जिन हाथों को उठाया तालियां बजाने के लिए, आज वो हाथ दिल पर रखकर पूछो। ये चुनाव मात्र विजय वैसला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर उस परिवार का चुनाव है जो अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान चाहता है। मोहल्ले पर अगर कोई पराई नजर किसी के घर की बेटी पर डाले तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत रखता है। आज मैं उन नागरिकों से बात करती हूं। बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में फेंक दिया जाता है। और मैं तो स्तब्ध हूं कि जब विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होती है तो मैंने सुना है कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मर्दों का प्रदेश है। अरे, मैं आज गहलोत साहब से पूछना चाहती हूं।